मतदाता जागरूक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जागरूकता के दृष्टिकोण से यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, प्रत्येक चुनाव किया जाता है, इस बार हम लोग कर रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, एक रैली पकड़ेगा किया गया अखबारों में इस बात का प्रचार प्रसार किया, बच्चों की रैली है, स्कूलों की रैली है, प्रत्येक लोकल बॉडीज में प्रत्येक प्रयास किया जा सकता है, नगर पालिका में निकलें और उसके बारे में प्रचार प्रसार प्रयास किया जा रहा है। जनपद बरेली के सभी नागरिकों से, मतदाताओं से अपील करता हूँ कि 29 तारीख को नगर निकाय के इलेक्शन में सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक अच्छी और स्वच्छ सरकार बनाने में अपने मताधिकार का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी लोग जो नागरिक हैं, संभ्रांत नागरिक हैं, वो सही तरीके से निष्पक्ष और निडर होकर के मतदान कर सके, इसके लिए पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और कोई भी अराजक तत्व इसमें खलल न डाल सके, इसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं कर ली है। किसी भी सूरत में ऐसे लोग जो मतदाता मतदान को डिस्टर्ब करना चाहेंगे उनके जो है इरादे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे और सब लोग मताधिकार का निष्पक्ष रूप से और निडर होकर इस्तेमाल कर सकेंगे। जनपद बरेली की पुलिस और प्रशासन संभ्रांत नागरिकों के साथ है। स्थानीय निकाय 2017 का निर्वाचन बरेली में 29 तारीख को है। हमारी सभी मतदाताओं से अपील है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें और अपने मर्जी के प्रत्याशी को अवश्य वोट दें, अपनी मर्जी का मेयर और सभापति चुनें। दिल्ली में होने वाले जो नगर निकाय के चुनाव हैं, इसमें पुलिस के द्वारा समुचित पुलिस प्रबंध कर लिया गया है और इसमें मतदाता जो हैं वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और जो भी असामाजिक तत्व मतदान में कोई व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। मैं नगर मजिस्ट्रेट बरेली, बरेली जनपद और नगर निगम के समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो मतदान में बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लें, क्योंकि मतदान उनका अधिकार है, उनके मतदान से उनकी यहाँ की लोकल गवर्नमेंट नगरीय क्षेत्र में बनेगी, जिसमें उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और वे सभी मतदाता अपने दिनांक 29 नवंबर को इस जनपद में मतदान होना है तो अपने दैनिक कार्यों में सर्वोपरि मतदान को रखते हुए सबसे पहले जाकर के मतदान करें, उसके बाद अपना कोई कार्य निष्पादित करें। यह लोकल गवर्नमेंट के लिए, लोकल नगरी निकाय सरकार के लिए उनकी तरफ से उठाया गया सबसे बड़ा कदम होगा। धन्यवाद। सब लोग मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और निर्भीक होकर मतदान करें।